हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज श्रुति वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीट स्टूडियो। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, गोइंग गुड। तो स्वागत है आपका मसूरी के सेकंड पार्ट में। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने कवर किया था कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, और हम गए थे मसूरी लेक जहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। इस वीडियो में हम कवर करने वाले लैंडोर, मसूरी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह, जहाँ पे है ब्रिटिशर्स के टाइम की बेकरी। और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम पक्का वहाँ का कुछ बना हुआ जरूर खाने वाले हैं। और हम जाएंगे लाल टिब्बा, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू मिलता है हमें। लाल टिब्बा के पास ही हमें मिल जाती है चार दुकान, और हम कवर करने वाले हैं धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम वहाँ भी जाने वाले हैं। तो जानने के लिए बने रहो और देखते रहो। ये लाइब्रेरी और यहाँ हमारा रूम, कितने पास पास है देखो। हम आ चुके हैं कल वाली जगह जहाँ हमने कल ब्रेकफास्ट किया था, हम आज वहीं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कल हमने खाए थे आलू के पराठे, आज हम खाएंगे गोभी के पराठे। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। पेट्रोल डलवा रहे हैं हम पेट्रोल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम निकल चुके हैं धनौल्टी के लिए, जो कि 32 किलोमीटर दूर है मसूरी से। तो चलो आज हम निकले हैं धनौल्टी के लिए। जो धनौल्टी है, लाल टिब्बा है, चार दुकान है और बेकरी है, वो सभी एक रूट पे पड़ते हैं। लेकिन आगे की जाके मैं थोड़ा सा अराउंड 4-5 किलोमीटर चल के फिर धनौल्टी के लिए अलग रास्ता निकल जाता है और बाकी तीन जगहों के लिए अलग रास्ता निकल जाता है। तो अभी हम उन बाकी तीन जगहों जा रहे हैं। और हमें पहले ये था कि बेकरी पता नहीं सुबह सुबह खुली होगी या नहीं, लेकिन इस टाइम बेकरी खुल चुकी है। तो अब हम पहले बेकरी, लाल टिब्बा और चार दुकान जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे धनौल्टी। अब हम जा रहे हैं बेकरी। अब आगे एक और डाइवर्जन हो गया था बेकरी का और लाल टिब्बा, और मतलब एक साइड बेकरी थी, एक साइड लाल टिब्बा और चार दुकान थे। पहले हम बेकरी जा रहे हैं, पहले एक्टिवा खड़ी करवा लेते हैं क्योंकि डिफेंस एरिया है। तो आगे पैरों पर जा रहे हैं, थक गए। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है भाई, और वो भी हिल्स में। हेलो बोलो लैंडोर बेक हाउस 100 meters फ्रॉम हेयर। चलते रहो। चंडीगढ़ से ओके पहुंच गए भाई। ये है लैंडोर बेकरी हाउस। ब्रिक्स एक हम ये ले रहे हैं, ये ठीक है, एक हम ले रहे हैं, ये एक ले रहे हैं, ये एक ले रहे हैं, ये कॉफी वॉलनट की स्लाइस एंड वन चॉकलेट। ये शायद उसी टाइम का है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। इधर भी है कुछ गाइस। इतने सुंदर सुंदर रास्तों पे राइड करने का अलग ही मजा है। कार से आप वो वाली फील नहीं ले पाओगे जो आपको एक्टिवा या फिर स्कूटी पे आने वाली है। तो यहाँ पे आओ मसूरी, आपको यहाँ पे 450 या 500 रुपीज़ में एक्टिवा हायर हो जाती है, और मज़े लो। हम पहुंच चुके हैं लाल टिब्बा। लाल टिब्बा एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से अच्छा व्यू मिल रहा है। यहाँ पे फोटो मैंने मेंशन किया, देखो यहाँ पे लगाई है। तो ये है लाल टिब्बा का व्यू, और मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ। लाल टिब्बा
साइड नंबर है तो पहले पंछी मनु उड़ती फिरू मस्त गगन में। अच्छा है यार, तो ना पहाड़ों में चलाने बहुत मजा आता है, राइड करते हुए भी ड्राइव करते हुए बहुत मजा आता है पहाड़ों में। ये है चार दुकान, जो कि चार नहीं है, ज्यादा है। और बस ये है वो फेमस जगह, यहाँ पे यही वाला रास्ता जा रहा है हमारा आगे धनौल्टी। तो हमने खा तो लिया ही है, तो निकलते हैं हम धनौल्टी के लिए। यहाँ पे कैफे मुझे अच्छा दिख रहा है एक। since 1910 और ये है यहाँ का चर्च। Welcome to the Nolte, yeah! ऐसे सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। थके तो नहीं तुम? ओ थक गया तू? चंबा नई ठहरी टिहरी और सुरकंडा मंदिर। चलो रुको रुको मत, चलते रहो चलते रहो। अब हम आए हैं सुरकंडा देवी मंदिर और भैया लोग बता रहे हैं ये सिद्धपीठ है। हाँ वहाँ पे लिखा भी हुआ है सिद्धपीठ माँ सुरकंडा देवी मंदिर, तो थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, चलते हैं ऊपर। सुरकंडा देवी मंदिर, लेट्स गो। चलो चलो कुछ रास्ता हमें ट्रैक करना है, ठीक है? उसके बाद ना ऊपर ट्रॉली चल रही है रोप वे, तो आधा वहां से हमें आधा रास्ता हम रोप वे से कवर करेंगे। और रोप वे का 200 पर पर्सन बोथ साइड को रेंट है। हमें पता ही नहीं लगा हम धनौल्टी से भी आगे आ चुके हैं। यहाँ से धनौल्टी 5 to 7 किलोमीटर दूर है। हम धनौल्टी का फ्रिज मैग्नेट लेके जाएंगे। हाँ देखते हैं धनौल्टी का अगर फ्रिज मैग्नेट मिलता है हमें। देहरादून का भी लिया हमने फ्रिज मैग्नेट और मसूरी का भी लिया। हमने टिकट ले ली, हम लाइन में नहीं लगे टिकट वाले, हमने किसी को बोल दिया कि प्लीज हमारी टिकट ले लो, तो उन्होंने टिकट ले ली। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे लाइन में लगने, जहाँ पे रोप वे के लिए एंट्री होगी, जहाँ रोप वे की एंट्री होगी, जहाँ पे रोप वे में इसमें बैठना है। कितना सियाना हो गया तू? मैं बड़ा हो गया। लाइन देख लो दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई ऐसे 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 ऐसे। हो शायद चंडीगढ़ की रश जा रहा है। आठ वाले पूरे चार यहाँ बैठ जाओ, आठ वाले आ जाओ, पूरे आठ वाले, मतलब एक में छह बैठ सकते हैं। चलो चलो वेट कर रहे हम। हो गया हो गया हो गया, ट्रैक भी कर सकते हैं। हाँ ट्रैक भी कर सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। भाभी आ जाओ, हम बैठ चुके हैं इसमें उड़न खटोले में। इसको सच में उड़न खटोला बोलते हैं, जब मैं बचपन में थी तो मैंने यही सुना। मिनी एरोप्लेन, जाम लग गया इतनी हाइट पे हम, बहुत दिख नहीं रही, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा कितना ऊंचा है। अरे यार इतनी लंबी लाइन है ना यहाँ पे, तो ये मंदिर है और लेकिन यहाँ पे ना वो दिख रहे बादल, वो कहते हैं ना आज मैं ऊपर आसमान नीचे। लाइन लगी है सामने, लाइन लगी है।
जय श्री राम, जय श्री राम। आफ्टर दर्शन हमारी शक्ल देख लो, सुंदर लग रहा है ना हम लोग। तो अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे हमने अपनी एक्टिवा खड़ी की थी, फिर वहाँ से हम जाएंगे एक्टिवा राइड करके मसूरी, फिर हम जाएंगे बस पकड़ के देहरादून। और साथ बने रहो, देखते रहो। हम लगे हुए हैं रोप वे की वापस वाली लाइन में, और ये लोग हैं जो ट्रैक्स करके आए थे, वापस जा रहे हैं यहाँ से ऐसे। चलो हिली एरियाज में हमें 30 किलोमीटर कवर करने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर लग जाता है। और अब हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं मसूरी। हम बैठ चुके हैं देहरादून के लिए बस में। सबकी हालत ख़राब है। हम लोग आ चुके हैं देहरादून। देहरादून के बस स्टैंड पे हमें ये बस उतारेगी, और बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही हमें मिल जाता है रेलवे स्टेशन। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बिट स्टूडियो फैमिली।